क्या आप लोगों को कभी कोई अपनी पुरानी टूटी हुई चीज को ठीक करने की इतनी खुशी हुई है? मुझे तो आज बहुत हो रही है खुशी ना, क्योंकि पिछले 15 दिनों की तकरीबन जो मेहनत है ना वो आज सफल हो गई है। सीट हमने इंस्टॉल कर ली है अपनी, और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है क्योंकि इस संडे को पक्का डेफिनेटली हम साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे और अच्छी खासी साइकिलिंग करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो कि आप 7 बजे का अलार्म लगा के 5:30 बजे उठ जाओ? आज मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ा। यार आज एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि 7 बजे का अलार्म लगा के मैं उसे बहुत पहले उठ गया और आज बिना कुछ सोचे निकल पड़ा हूँ। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन चूज कर लिए कि इस डायरेक्शन में जाना है। देखते हैं कि कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं, जा पाएंगे, कवर कर पाएंगे 10, 12, 15 किलोमीटर या नहीं, ये आज पता चल ही जाएगा। फ्लाईओवर पे साइकिलिंग करना यार बहुत मुश्किल है। बस होती जा रही है, फ्लाईओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वेलकम टू द फिटनेस जर्नी डे 35। आज बहुत आप सबको अच्छे होंगे। आज साइकिलिंग करते करते ना ज़्यादा आगे निकल आया हूँ। मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि सुबह सुबह साइकिलिंग करने का इतना मज़ा आता है। थक गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आज पानी भी साथ लेकर ही आ गया था क्योंकि ये तो पता था कि कहीं दूर निकलना है, बस ये नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता कि कहाँ तक। चलो चेक करते हैं कि कहाँ तक जा पाते हैं और आपको अपडेट देता रहता हूँ साथ साथ। जो हमारा मन है ना वो बिल्कुल हमारे शरीर से वैसे ही प्यार करता है जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं और बहुत तेज धूप है, तो जैसे मैं घर से निकलने लगा तो मम्मा को कुछ हो गया कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, साहिल तू ऐसा कर, तू पैदल मत जा, तू स्कूटर पर जा। हर संडे पर वो ये चीज़ बोलती है, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं गर्मी में कुछ हो ना जाए मुझे। वो बहुत ममता होती है ना माँ के अंदर, उसी वजह से ऐसे ही जो मन है उसको लगने लग जाता है कि अगर बाई चांस शरीर को हम थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में डाल लें अपने, तो मन को भी ना ऐसे ही लगने लग जाता है कि मेरे शरीर को ना कुछ हो ना जाए। तो वो मेरा मानना है कि जो मन है जो और जो दिमाग है ना वो एक ही है, तो वो जो दिमाग या मन सिग्नल भेजता है शरीर को भी ये काम ना ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, और हमें लगने लग जाता है कि हम थक गए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इतना मज़ा आ रहा है ना यार, क्या सुंदर व्यू लग रहा है। तकरीबन मुझे लग रहा है शायद 12-13 किलोमीटर तो हम साइकिलिंग कर चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी मुझे लगने ही लगा था कि सब कुछ अच्छे से हो गया और अब फाइनली पहुँच ही जाएंगे, पर तभी भगवान जी ने कहा रुको वत्स, पिक्चर अभी बाकी नहीं उतर गई है इसकी। बहुत छोटे होते ना साइकिल्स की चेन उतर जाती थी तो चढ़ाते थे ऐसे, वापसी हाँ चढ़ गई भाई, चढ़ गई। हाथ काले हो गए पर चलो कोई बात नहीं। ये जो मिट्टी है ना इसी से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि मिट्टी से अच्छा कुछ भी नहीं होता कुछ साफ़ करने के लिए। अभी जाना मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कोई ज़बरदस्त चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, अगर वहाँ तक पहुँच पाया तो। भाई फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। चेक करो भाई, ये दिखाने के लिए लेके आया था मैं तुम्हें यहाँ पर, इतनी दूर इतनी मेहनत करके। हमारी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल इस नदी के जैसे होनी चाहिए। जब तक कोई उतार चढ़ाव ना आए, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। दूर से देखने वाले के लिए बिल्कुल शांत स्वभाव और बिल्कुल बिना हलचल के स्मूथली दिखनी चाहिए। भाई फाइनली पहुंच ही गए। कुछ देर यहाँ पर बैठ करना बहुत मजा आ गया। हो सकता है बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे ये कहाँ ले आया यार हमें, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पानी बस थोड़ी ही सी हाइट से नीचे गिर रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहुँचने का जो मेन मकसद है ना वो ये नहीं था। मकसद ये था कि देखना कि किस तरह हमने ये सफ़र तय किया, जिसमें कुछ मुश्किलें आई, कुछ मज़े आए। ये जो लंबा सफ़र था ये बिल्कुल उसी गोल की तरह है जो हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी देखा करते हैं, पर उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो ज़्यादा टाइम लगेगा या जितनी दूर वो हमें लगता है वो सोचकर अक्सर ही हम रुक जाया करते हैं। पर असल में अगर आपने किसी दिन वो शुरुआत कर दी तो कैसे आगे के कदम अच्छे चलते जाएंगे, रास्ता आपको मिलता जाएगा, मुश्किलें आपकी आसान होती जाएंगी और मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। और जब आप उस गोल पर पहुँच जाओगे ना, मज़ा है वो तो है ही है, वहाँ पर पहुँच के जो मज़ा आता है, जो खुशी। जो रोड मक्खन लग रही थी ना आते टाइम तो पता ही नहीं चला 18 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय हो गया। अब वही रोड इस टाइम ना घी बन के और पसीना बन के निकल रही है। बहुत मुश्किल हो रही है यार वापस जाने में, तो मेहनत बहुत लग जाती है ये सब ब्लॉग्स बनाने में ना। अगर भाई यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा इस ब्लॉग में। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। Signing off from traveling miles. Bye bye. और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जो लोग नए पहुँचे इस वीडियो पे उनको मैं बता देता हूँ कि मैं इंस्टा के पेज पे अपने रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। कहीं घूमने जाऊँ या जैसे इस टाइम मेरी फिटनेस जर्नी चल रही है तो उसकी, तो आप इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स पहुँचती रहें और फिर एक दूसरे से बात होती है ना तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। ह्यूज मोटिवेशन, यू गाइज आर द ओनली मोटिवेशन जिसकी वजह से इतनी मेहनत हो पाती है। ये जो फिटनेस जर्नी भी चल पा रही है वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से चल पा रही है। तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दूंगा, आप सर्च करके और उसको फॉलो ज़रूर कर लेना भाइयों।